नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और ग्लोबल हेराल्ड आपसे अपील करता है कि जनता कर्फ्यू का समर्थन करे और अपने आप को सुरक्षित रखे। इसी के साथ आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ शहर में करीब 7:30 बजे के आसपास शिवजी चौक चौराहे पर आशीष भंडारी पिता पीटी भंडारी के ऊपर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें लोगों में हड़कंप मच गया। गोली लगने पर युवक को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, परंतु डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि 3 युवकों ने लूट के इरादे से आशीष भंडारी को गोली मारी। वहीं करीबन 5 से 6 फायर भागते वक्त किए गए, जिससे वह भागने में सफल हो गए। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिरकार ये अज्ञात लोग कौन थे और किस मंशा से यह घटना को अंजाम दिया गया। ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के लिए नितेश सोनी की रिपोर्ट। जब लोकल लोगों ने उसमें इंटरसेप्ट करके पकड़ने का प्रयास किया तो फायरिंग भी हुई है। अभी इसमें उसके हिसाब से हमने सबसे पूरे जिले में हमने वहाँ चेकिंग जो है वो चालू करा दी है, और जो भी इसके संबंध में सूचना देगी उसको देगा उसको 10,000 रुपये इनाम भी घोषणा कर देंगे। अभी इसमें हमारी दोनों आ रही है और जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कर। सर, गाड़ी की पहचान हुई है क्या? सर, अभी उसमें कुछ क्लूज मिले हैं, हम बाकी और कैमराज दिखा रहे हैं। अभी इसमें फिसल की भी टीम आएगी और साइबर की टीम आएगी। सर, नगर में 2 जगह पुलिस लगी हुई थी, एक तो राजकुमार पैलेस के पास और दूसरा महादेव रोड पे। तो सर, इनके यहाँ से कुछ निकलने का कुछ सामने आया है कि सर पुलिस द्वारा देख रहे हैं? अभी हम इनका जो रूट, जिस रूट से ये आए थे और जिस रूट से ये निकले हैं, उसको हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने घटना देखी है और जो रूट पे लोग थे, जिससे भी हम बातचीत कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम रूट ट्रेस करेंगे, उसी के हिसाब से देखेंगे किस तरफ से आए थे, किस तरफ से गए। सर, लगभग कितने राउंड फायरिंग की गई है? सर, इसमें 3 लोग हैं और जैसा जनता बता रही है कि करीबन इसमें 3 राउंड के आसपास फायर किया गया है। इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, बट अभी हम लोग उसमें जांच। सर, कितने प्रत्यक्षदर्शी हैं? सर, कुछ प्रत्यक्षदर्शी, बाकी क्या मामला आया है सामने? ये भी घटना घटित हुई है। सूचना आई थी कि सीरियस हालत में मरीज को ला रहे हैं। जब मरीज आया तो धड़कन वगैरह नहीं थी और सांस नहीं लग रही थी, इसीलिए अगर हार्ट की एक्टिविटी देखने की उसमें फ्लेट लाइन आई, तो फिर परिजनों को डिक्लेयर कर दिया गया एक गोली का निशान है कंधे के पास, संभव तो वही मृत्यु के कारण है। बाकी सुबह पोस्टमार्टम के बाद सर कितनी गोली लगी है? इस निशान तो अभी एक ही का है, सिंगल एंट्री है, तो संभावना एक ही गोली की है। सर, कहाँ पे लगी हुई गोली? कंधे के पास।